दोस्तों पहले चैप्टर में हमने एयरक्राफ्ट को क्लासिफाई किया था डिफरेंट बेसिस के ऊपर, और आज हम जो है पार्ट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम इनको डिटेल से समझेंगे कि इसका क्या रोल होता है और ये कहाँ फिट होता है, कैसा दिखता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बेसिक मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं जहाज के। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को ले रहे हैं थोड़ा सा, बेसिक मूवमेंट्स, क्या क्या मूवमेंट जो है एयरक्राफ्ट कर सकता है। पहला, एयरक्राफ्ट कर सकता है मान लो रोल्स, रोलिंग मूवमेंट कर सकता है। दूसरा, पिच, PITCH, पिचिंग मूवमेंट कर सकता है। तीसरा है याइंग मूवमेंट, YAW, या। तो ये क्या मूवमेंट होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों, एक एक से हम जानेंगे कि पिचिंग क्या होती है, रोलिंग क्या होती है और याइंग क्या होती है। इसको हम कहते हैं रोलिंग मूवमेंट, इसको बोलते हैं पिचिंग मूवमेंट, इसको बोलते हैं याइंग मूवमेंट। तो दोस्तों अब हम रोलिंग मूवमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले रोलिंग मूवमेंट क्या होता है, तो मान लो कि ये कोई एयरक्राफ्ट है फ्रेंड्स, ये इसका नोज सेक्शन है, ये इसका टेल सेक्शन है। तो एयरक्राफ्ट ने फ्लाई किया। अब रोलिंग मूवमेंट की मैं अगर बात करूं तो रोलिंग मूवमेंट में एयरक्राफ्ट विल रोल, दिस इज कॉल्ड रोलिंग मूवमेंट। ये एयरक्राफ्ट का रोलिंग मूवमेंट होगा दोस्तों, दिस इज कॉल्ड रोलिंग मूवमेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट आया और वो रोल कर रहा है, ठीक है दोस्तों, इसको रोलिंग मोमेंट बोलेंगे। और रोलिंग मोमेंट कैसे अचीव करेगा एयरक्राफ्ट, ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर। देन आफ्टर पिचिंग मोमेंट, पिचिंग मोमेंट में एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया दोस्तों, और ये नोज सेक्शन है तो नोज पिच अप एंड डाउन, दिस इज कॉल्ड पिचिंग मोमेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट आया, उसको नीचे लैंड करना है तो वो नीचे की तरफ उसका नोज सेक्शन होगा, पिचिंग मोमेंट, पिच अप पिच डाउन। उसके बाद हम याइंग मोमेंट देखेंगे दोस्तों। याइंग मोमेंट में क्या होगा फ्रेंड्स, अपना एयरक्राफ्ट जो है वो दाएं बाएं की तरफ या करेगा, इसको हम याइंग मोमेंट बोलते हैं, लेफ्ट और राइट में टर्न करना। और ये कैसे अचीव होगा ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। तो दोस्तों आई होप कि आपने रोलिंग मोमेंट, पिचिंग मोमेंट और याइंग मोमेंट को समझ लिया होगा। फर्दर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट। फ्यूजलेज से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एयरक्राफ्ट है और एयरक्राफ्ट में ये नोज सेक्शन है जहां पे पायलट बैठते हैं। फ्रेंड्स फ्यूजलेज हमने पहले लेसन में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, आपको अगर याद हो तो। हमने एयरक्राफ्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीन पार्ट्स में हमने एयरक्राफ्ट को डिवाइड किया है। पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा नोज सेक्शन, बीच वाला सेंटर सेक्शन, और ये रहेगा हमारा टेल सेक्शन। तो तीन पार्ट्स में हमने एयरक्राफ्ट को डिवाइड कर दिया। नोज सेक्शन में फ्रेंड्स ये कॉकपिट है हमारा, तो ये नंबर टू हमने जो मार्क किया है, दिस इज कॉकपिट। यहाँ पे पायलट बैठते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, कंट्रोल्स रहते हैं पायलट्स के हाथ में। और ये हमारा टेल सेक्शन है, और ये जो हमारा जो सेंटर सेक्शन जो है इसको हम फ्यूजलेज बोलते हैं, जहाँ पे हम कार्गो या फिर पैसेंजर बैठते हैं, कार्गो लोड कर देते हैं, या फिर अगर पैसेंजर एयरक्राफ्ट है तो उसमें पैसेंजर बैठेंगे। दिस इज फ्यूजलेज ऑफ एन एयरक्राफ्ट, दिस इज कॉकपिट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, जो कि पायलट जहां पे बैठते हैं। फ्यूजलेज इज दैट पार्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट जहां पे हम कार्गो लोड करते हैं या फिर पैसेंजर बैठाते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे इंजन की। फ्रेंड्स इंजन मीन्स पावर प्लांट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। डिफरेंट पोजीशन होती है डिफरेंट एयरक्राफ्ट पर इंजन की, तो मेनली हम मैक्सिमम इनको विंग्स के ऊपर देखते हैं इंजन को। और ये मान लो हमारा इंजन हो गए फ्रेंड्स, अगर मैं प्रोपेलर बात करूं कि प्रोपेलर इंजन है। देन आफ्टर लैंडिंग गियर की अगर मैं बात करूं, लैंडिंग गियर जो होता है फ्रेंड्स अंडर कैरिज होता है एयरक्राफ्ट का। हमारा एयरक्राफ्ट है ये कोई भी, उसमें व्हील्स लगे होते हैं दोस्तों, आपने व्हील्स देखे होंगे। और व्हील जिस स्ट्रट के ऊपर, जो ये मेटल का स्ट्रट होता है उसके ऊपर जो है हमारे व्हील्स लगे रहते हैं, तो
इस स्ट्रट को और पूरा ये व्हील तक, स्ट्रट से पूरा व्हील तक इसको हम लैंडिंग गियर बोलते हैं दोस्तों। एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स को भी हम आगे क्लासिफाई करेंगे कि किस किस टाइप्स के होते हैं और कैसे वो काम करते हैं, पूरा फर्दर आपको डिटेल से समझाया जाएगा। अभी आप बेसिक समझ लो कि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे विंग्स की। विंग्स तो आप लोग जानते ही हो, हमारे एयरक्राफ्ट के विंग्स ऐसे होते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्लैट्स की। स्लैट्स क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट का विंग है दोस्तों, और ये हमने थोड़ा पूरा विंग ले रहा हूँ, जैसे कि ये पूरा फ्यूजलेज हो गया एयरक्राफ्ट का, ये टेल सेक्शन हो गया और ये कॉकपिट हो गया। तो ये विंग की मैं ओनली बात कर रहा हूँ, ओनली विंग को हमने जूम किया हुआ है। तो ये विंग लीडिंग एज बोलते हैं। तो दोस्तों विंग में क्या क्या होता है देखो, जैसे कि एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा ऐसे, तो एयर फ्लो ऐसे आएगा, दिस इज एयर फ्लो, दिस विल बी द एयर फ्लो एंड इट विल स्ट्राइक द लीडिंग एज ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो लीडिंग एज एयरप्लेन का और विंग का ये लीडिंग एज हो गया मान लो, तो इस विंग के लीडिंग एज पे ये स्ट्राइक करेगा, ये लीडिंग एज हो गया, ये ट्रेलिंग एज हो गया और ये टिप हो गया, ठीक है, और ये विंग का टिप हो गया। तो एयरक्राफ्ट का जो स्लैट्स जो होते हैं लीडिंग एज पे फिट रहते हैं, एयरक्राफ्ट के लीडिंग एज पे स्लैट्स फिट रहते हैं। उनका मेन पर्पज ये होता है कि जो एयर फ्लो आ रहा है वो विंग के चिपक के चले, स्ट्रीमलाइन फ्लो रहे। और हम फ्लो की भी हम बात करेंगे आपसे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन रहे। अगर एयरक्राफ्ट ने एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा कर लिया है तो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा। ये हम सब चीज़ें आगे फर्दर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सिर्फ इतना जान लो कि स्लैट्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट के विंग के लीडिंग एज पे फिट रहते हैं। उनका पर्पज होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो को मेंटेन करना, दैट्स इट। आगे हम बात करेंगे फ्लैप की। फ्लैप जो होते हैं दोस्तों, फ्लैप्स ट्रेलिंग एज जो विंग का है वहां पे फिटेड रहते हैं। ट्रेलिंग एज पे फ्लैप्स जो एयरक्राफ्ट के फिटेड रहते हैं। और फ्लैप्स का जो मेन जो पर्पज है दोस्तों वो कैम्बर को एडजस्ट करना है। ये सब चीजें टेक्निकल चीजें हैं, ये हम स्लोली स्लोली करके एक एक लेसन में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे आपसे। तो मेनली फ्लैप का काम है लिफ्ट को जनरेट करना, लिफ्ट को इंक्रीज करना। तो इंक्रीज लिफ्ट, ये फ्लैप है, ये लिफ्ट को इंक्रीज कर देंगे या फिर डिक्रीज कर देंगे, पायलट के कंट्रोल में रहेगा कि कब उसको कितना लिफ्ट चाहिए। तो उनका ये सारा काम फ्लैप्स का होता है। उसके बाद बात करते हैं स्पॉयलर्स। स्पॉयलर्स भी एयरक्राफ्ट के ट्रेलिंग एज पे ही रहते हैं फ्लैप के, लेकिन वो ऊपर की तरफ खुलते हैं। वे लिफ्ट को डिक्रीज कर सकते हैं, दे विल डिक्रीज द लिफ्ट। पायलट को अगर लिफ्ट कम चाहिए तो वो स्पॉयलर्स को खोल देगा, जैसे कि नाम दिखा रहा है आपको कि स्पॉयलर्स स्पॉइल करता है, लिफ्ट को खराब करता है, ये लिफ्ट को कम कर देगा। उसके बाद हम बात करेंगे एलिरॉन की। तो एलिरॉन भी जो विंग जो होता है उसके ट्रेलिंग एज पे रहते हैं दोस्तों, और मैं एक साइड की विंग की बात कर रहा हूँ, सिमिलर जो है अपना उसमें रहता है, राइट विंग में भी रहेगा, उस साइड जो विंग रहेगी उसमें भी सेम ऐसी की ऐसी चीजें कॉपी कर लो आप। तो जो फ्लैप, तो जो हमारा फ्लैप जो था, फ्लैप अगर ये डाउन होगा तो उस साइड वाला भी डाउन होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन एलिरॉन में थोड़ा सा उल्टा है, अगर यहाँ का एलिरॉन नीचे गया तो उस साइड का एलिरॉन ऊपर चला जाएगा। यही रोलिंग मूवमेंट करता है एयरक्राफ्ट की। रोलिंग पिचिंग एंड याइंग मूवमेंट को मैं समझाऊंगा, एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद मैं समझाऊंगा। तो एलिरॉन अगर एक साइड का नीचे गया है तो दूसरी साइड का ऊपर जाएगा, ठीक है दोस्तों, इतना भी याद रखो। फिर हम बात करेंगे एलिवेटर की। एलिवेटर जो होता है फ्रेंड्स, हमारा एयरक्राफ्ट में ये विंग होती है, एक मिनी विंग होती है पीछे की तरफ, आपने देखा होगा यहाँ पे भी एक मिनी विंग रहती है एयरक्राफ्ट्स में, कई एयरक्राफ्ट्स में रहती है, उनमें हमारे एलिवेटर्स फिट होते हैं ट्रेलिंग एज पे, दोनों साइड ट्रेलिंग एज पे एलिवेटर फिट होते हैं। इनका अगर ये डाउन चला जाएगा तो ये भी डाउन जाएगा, और ये करते हैं पिचिंग मोमेंट में हेल्प।
एयरक्राफ्ट का पिचिंग मोमेंट, एयरक्राफ्ट को नोज अप करना है, नोज डाउन करना है, ये सारा काम जो है एलिवेटर से होता है। फिर हम बात करते हैं रडर की। रडर जो हमारा वर्टिकल स्टेबलाइजर है हमारा, वहां पे ट्रेलिंग एज पे लगे रहते हैं रडर्स, वो भी जो है मूवमेंट करते हैं और उनसे एयरक्राफ्ट का याइंग मूवमेंट होता है। कैसे होता है वी विल डिस्कस लेटर। तो ये हमारे थे पार्ट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के क्या क्या पार्ट्स थे हमारे, हमने बता दिए हैं। अभी हम आपको रोलिंग, पिचिंग एंड याइंग मूवमेंट को एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो अब हम डिस्कस करेंगे रोलिंग, पिचिंग एंड याइंग मूवमेंट को थोड़ा सा डीप में फ्रेंड्स। सबसे पहले हम एयरक्राफ्ट की विंग लेंगे दोस्तों। ये हमारा फ्यूजलेज हो गया एयरक्राफ्ट का। पूरा पार्ट्स में मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। ये नोज सेक्शन हो गया और ये हो गया एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन और ये हो गए एयरक्राफ्ट के विंग्स। ओके फ्रेंड्स, अब समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोलिंग मोमेंट की। एयरक्राफ्ट रोलिंग मोमेंट कैसे करता है? तो एयर फ्लो आ रहा है हमारा ऐसे फ्रेंड्स, ठीक है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट आगे की तरफ मूव कर रहा है तो एयर फ्लो तो हमारा यहीं पे आएगा। तो एयर फ्लो हमारा आ रहा है आगे से और स्ट्राइक कर रहा है लीडिंग एज को, विंग की लीडिंग एज को स्ट्राइक कर रहा है। रोलिंग में एलेरॉन का हाथ होता है, एलेरॉन लगे हैं हमारे, ये हमारे हो गए एलेरॉन्स। अब अगर मान लो ये एलेरॉन अगर डाउन चला जाएगा, ये एलेरॉन डाउन चला जाएगा तो इसमें नीचे से हमारी एयर आ रही है, नीचे नीचे से जा रही एयर। अगर ये एलेरॉन नीचे आ गया तो नीचे की तरफ एयर स्ट्राइक करेगी, वो उसको ऊपर उठाएगी, तो इस विंग में लिफ्ट जनरेट हो जाएगी। अगर ये नीचे गया है तो ये ऊपर जाएगा, इसमें ऊपर से एयर फ्लो स्ट्राइक करेगा, वो इसका नीचे की तरफ प्रेस करेगा, मतलब लिफ्ट को डिक्रीज करेगा। ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, तो एयरक्राफ्ट विल रोल, ठीक है। सिमिलरली अगर उल्टा होगा तो एयरक्राफ्ट ऐसे रोल करेगा। तो दिस इज कॉल्ड रोलिंग मोमेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे याइंग मोमेंट की। याइंग मोमेंट क्या होती है? याइंग मोमेंट के लिए सिमिलरली हमारा एयरक्राफ्ट है ये, इसमें ये विंग्स हो गए हमारे, ठीक है, ये हमारा नोज सेक्शन हो गया। तो मेनली अगर हमें या करना है तो हमारा रडर लगा है यहाँ पे, दिस इज रडर। ये ऐसे खड़ा है एयरक्राफ्ट के पीछे, एकदम ऐसे खड़ा है एयरक्राफ्ट के पीछे, और ये हमारा हो गया रडर। दिस विल मूव लाइक दिस। अगर एयर फ्लो आगे से आ रहा है और अगर रडर हमारा राइट में है तो एयर फ्लो स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, ये इसको इस साइड करेगा तो एयरक्राफ्ट का नोज विल गो टू राइट। अगर रडर हमारा राइट में है तो एयरक्राफ्ट का नोज भी राइट में जाएगा, और एयरक्राफ्ट का नोज राइट में जाएगा मीन्स नोज राइट में चला गया। अगर रडर लेफ्ट में आएगा तो नोज लेफ्ट में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड याइंग मोमेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पिचिंग मोमेंट की। पिचिंग मोमेंट क्या होता है? और पिचिंग मोमेंट जो एयरक्राफ्ट का होगा, जैसे कि ये हमारा कोई एयरक्राफ्ट है और इसमें ये विंग्स हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमारे एलिवेटर्स लगे होते हैं फ्रेंड्स। अगर दोनों एलिवेटर्स डाउन चले जाएंगे तो एयर नीचे से उनको धक्का ऊपर की तरफ देगी, तो एयरक्राफ्ट का जो टेल पार्शन पीछे का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ जाएगा, नोज नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर दोनों एलिवेटर नीचे की तरफ चले जाएंगे, एयर नीचे से धक्का दे रही है, तो अपना टेल सेक्शन ऊपर आ जाएगा, नोज नीचे आ जाएगा, एयरक्राफ्ट का नोज डाउन हो जाएगा, ठीक है, नोज डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे एलिवेटर ऊपर आ गए दोनों, तो एयर ऊपर से धक्का देगी, नीचे की तरफ प्रेस करेगी, तो अपना टेल सेक्शन नीचे आ जाएगा, नोज ऊपर चला जाएगा, टेल सेक्शन नीचे आ जाएगा, नोज ऊपर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड द पिचिंग मोमेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट में अगर रोलिंग, पिचिंग एंड याइंग मोमेंट की अगर हम बात करें, तो एयरक्राफ्ट को हम जो है डिवाइड करने जा रहे हैं यहाँ पे। अगर एयरक्राफ्ट के यहाँ से सेंटर से अगर हम लाइन खींच दें,
इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अगर हम ऐसे खड़ी रेखा खींच दे एकदम सेंटर से, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ऐसे हम उसको शो करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। और एक हम पूरा ऐसे विंग्स के पास से लेकर के अगर हम खींच दें सेंटर से एक और लाइन खींच दें, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल, वर्टिकल और ट्रांसवर्स। तो एयरक्राफ्ट का मूवमेंट अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इज कॉल्ड रोलिंग मूवमेंट। एयरक्राफ्ट का मूवमेंट अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इज कॉल्ड रोलिंग मूवमेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ये हमारा एयरक्राफ्ट हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस एकदम नोज से लेकर के और हमने टेल तक खींचा है तो इसके एकदम अंदर से चला गया वो। इसके अलोंग इसका मूवमेंट इज कॉल्ड रोलिंग मूवमेंट, यही मैंने आपको बताया था। ओके, हम बात करते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस की। तो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा ये। तो मूवमेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड पिचिंग मूवमेंट। पिचिंग हो रहा है एयरक्राफ्ट, इसी एक्सिस के अलोंग हो रहा है ना पिचिंग मूवमेंट। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग एयरक्राफ्ट का मूवमेंट इज कॉल्ड पिचिंग मूवमेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। देयर आफ्टर हम बात करेंगे वर्टिकल एक्सिस की। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अगेंस्ट, सॉरी, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग मूवमेंट था रोलिंग मूवमेंट, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट था पिचिंग मूवमेंट। हमारा बच गया याइंग मोमेंट। तो याइंग मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल एक्सिस है हमारा एयरक्राफ्ट का, ये हमारा एयरक्राफ्ट है, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया इसका, ठीक है। इसके अलोंग मोमेंट इज याइंग मोमेंट लेफ्ट राइट, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे याइंग मोमेंट। तो ये हो गया अपना याइंग। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, 10% तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो है रोलिंग मोमेंट क्या होता है, पिचिंग मोमेंट क्या होता है और याइंग मोमेंट क्या होता है। और स्लोली स्लोली फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम तो सब कुछ समझ में आ जाएगा हमें कि क्या मोमेंट होते हैं, लैंडिंग गियर क्या होता है। फ्यूजलेज हमने आपको बता दिया, कॉकपिट बता दिया, इंजन बता दिया, लैंडिंग गियर हो गया, विंग्स हो गया, स्लैट हो गया, फ्लैप हो गया, स्पॉयलर्स हो गया। स्लोली स्लोली सब समझ में आ जाएगा आपको। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर फ्यूचर में हमारे वीडियो देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।